तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। हाँ, इस वीडियो में बताऊंगा डंकी वर्सेस सलार, किसने मारी बाजी, यानी कि बॉक्स ऑफिस पर किसने की ताबड़तोड़ कमाई। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सलार मूवी को सिनेमा घरों में हो चुके हैं 7 दिन और वहीं पर डंकी मूवी को, शाहरुख खान की फिल्म डंकी मूवी को हो चुके हैं सिनेमा घरों में 8 दिन। तो देखते हैं डंकी ने ज्यादा कमाई की या प्रभास की फिल्म सलार ने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रभास की फिल्म सलार के बारे में। तो गाइस, सलार मूवी का जो बजट है वो 400 करोड़ का है। वो 400 करोड़ दोनों पार्टों का है। अभी हमको एक ही पार्ट देखने के लिए मिला, दूसरा पार्ट भी हमें जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डंकी मूवी की। तो इसकी मैं जितनी तारीफ कर सकूं उतनी कम है, क्योंकि डंकी मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है भाई। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों मूवी के कलेक्शन के बारे में, और हम ये भी जानेंगे दोनों मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो गया। प्रभास की फिल्म सलार का दो आज सिनेमाघरों में 7वां दिन है, तो उसका टोटल कलेक्शन कितना हो गया, और डंकी मूवी को हो चुके हैं 8 दिन, और 8 दिन का जो हमारा वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन कितना हो गया सब जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, डंकी मूवी का जो बजट है वो 150 करोड़ से भी कम है, यानी 120 करोड़ है, और अपने बजट से भी कमाई करने जा रही है डंकी मूवी। जी हाँ गाइस, डंकी मूवी अपने बजट से भी ज्यादा कमाई करने जा रही है। तो चलिए दोनों फिल्मों का चार्ट देखते हैं और बताते हैं किसने की सबसे ज्यादा कमाई। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, सलार वर्सेस डंकी, आइए जानते हैं किसने की सबसे ज्यादा कमाई। आपको हम इस चार्ट के जरिए से बताएंगे इन दोनों फिल्मों में से किसने मारी बाजी, यानी मेरा मतलब कि किसने की सबसे ज्यादा कमाई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रभास की फिल्म सलार के बारे में। जो सलार मूवी ने पहले दिन जो कमाई की थी वो 90 करोड़ 7 लाख रुपए थी, जो कि काफी बढ़िया कमाई थी जो कि पहले दिन की थी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सलार मूवी की डे 2 की कमाई के बारे में। दोस्तों दूसरे दिन हमें थोड़ा सा डाउन देखने के लिए मिला, और डे 2 की जो कमाई थी हमारी 56 करोड़ 35 लाख रुपए की थी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तीसरे दिन के बारे में। तो सलार मूवी ने तीसरे दिन 62 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई की थी, और अब हम आते हैं चौथे दिन पे। तो चौथे दिन जो सलार मूवी की जो चौथे दिन की कमाई थी वो 46 करोड़ 3 लाख रुपए की थी। और हाँ गाइस, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये जो सारी कमाई मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडिया से जो कमाई नेट हुई है वो बता रहा हूँ। अभी मैं आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी बताऊंगा दोनों फिल्मों का। तो जो हमारी पांचवें दिन की कमाई थी वो 24 करोड़ 9 लाख रुपए थी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिक्स डे की कमाई। जो हमारी छठे दिन की कमाई थी वो थोड़ी कम देखने के लिए मिली। तो छठे दिन जो हमारी सलार मूवी ने कमाई की है वो 15 करोड़ 1 लाख रुपए की थी। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट दिन की, यानी 7वें दिन की, और उसके बाद मैं आपको डंकी मूवी का कलेक्शन भी बताऊंगा। लेकिन उसे जानने से पहले हम जान लेते हैं डे 7 की कमाई के बारे में। तो 7वें दिन इस मूवी ने 13 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टोटल कमाई के बारे में, यानी इन 7 दिनों में सलार मूवी ने कितनी कमाई की। तो दोस्तों सलार मूवी ने टोटल कमाई की है 308 करोड़ 90 लाख रुपए की, जो कि इंडिया से नेट हो गई थी। तो दोस्तों अभी हमने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं बताया, ये वो कमाई है जो इंडिया से नेट हो गई थी। तो दोस्तों हम जल्दी जल्दी डंकी मूवी की भी कमाई जल्दी जल्दी बता देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दोनों मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना कितना हो गया और किसने मारी बाजी। तो दोस्तों डंकी मूवी ने पहले दिन जो कमाई की वो 29 करोड़ 20 लाख रुपए की थी। तो दोस्तों ये सलार मूवी से काफी कम कमाई थी जो पहले दिन की थी डंकी मूवी की। लेकिन दोस्तों पिक्चर तो अभी बाकी है, अब हम जान लेते हैं दूसरे दिन की कमाई की। तो डंकी मूवी ने दूसरे दिन 20 करोड़ 12 लाख रुपए की कमाई की। तो दोस्तों इस बार भी डंकी मूवी कमाई कम रह गई, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना पिक्चर अभी बाकी है। तो अब जान लेते हैं हम तीसरे दिन की कमाई की। तो तीसरे दिन 25 करोड़ 61 लाख रुपए की कमाई की है डंकी मूवी ने। और अब हम जान लेते हैं डे 4 की कमाई के बारे में। तो दोस्तों चौथे दिन इस मूवी ने जो कमाई की है वो 30 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की है, यानी डंकी मूवी की कमाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और अब हम बात कर लेते हैं डे 5 के बारे में, क्या डे 5 में भी 30 करोड़ से पार कर पाएगी डंकी मूवी, चलिए जानते हैं। तो पांचवे दिन इस मूवी ने कमाई 22 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी 22.5 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं छठवे दिन की। तो छठे दिन इस मूवी ने जो कमाई की है उसमें थोड़ा सा चढ़ाव देखने के लिए मिला, और वो कमाई थी 24 करोड़ 32 लाख रुपए, यानी कुल मिला के 2 करोड़ रुपए बढ़ गए। तो अब हम बात कर लेते हैं 7 डे के बारे में। तो 7वें दिन इस मूवी ने कमाई 11 करोड़ 56 लाख रुपए। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट दिन की, यानी 8वें दिन की। तो दोस्तों 8वें दिन जो इस मूवी ने कमाई की वो लगभग 9 करोड़ 75 लाख रुपए थी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डंकी मूवी ने अब तक टोटल कितनी कमाई की है। तो उसे जानने पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों डंकी मूवी की जो टोटल कमाई थी वो 173 करोड़ 74 लाख रुपए की थी। तो दोस्तों ये सलार से काफी कम कमाई की है, लेकिन अब जान लेते हैं इन दोनों फिल्मों ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितनी कितनी की है।
तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डंकी मूवी के बारे में। तो डंकी मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो किया है, तो दोस्तों डंकी मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 305 करोड़ का था। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सलार मूवी के बारे में। तो दोस्तों सलार मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था, उसे जानने से पहले प्लीज गाइस यार एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों सलार मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था तो दोस्तों वो 500 करोड़ का हो गया। जी हाँ गाइस, 500 करोड़ का। क्या डंकी मूवी सलार मूवी को टक्कर दे पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। और बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।